ऐसे बहुत सारी इत्तेफाकें होती रहती है, लोग इसी को चमत्कार कहते हैं। फिलहाल अभी मैं गर्लगुंजी में हूँ, विठोबा गली में। इससे पहले मैं सावंत गली में मल्लापा एरमाकर, और उससे पहले इसी बाजू में मारुति गली में, क्या नाम है उनका, संदीप बुरुट, उनके यहाँ पर सांप उन्होंने फिलहाल पकड़ के रखा था। ये भी काफ़ी खोद के उन्होंने रखा है, यहाँ पर पूंछ दिखाई दिए है, सब बोले हैं। पिछले आधा घंटे में यहाँ पर मैं 2 सांप पकड़ चुका हूँ। अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक खोदा है सांप, यहाँ पर आखिर में पूंछ दिखाई दी है। आगे जगह है तो अभी भी नहीं मिल सकता है, लेकिन सांपों का कुछ कह ही नहीं सकते। अभी मैं ट्राई करता हूँ है या नहीं है। खुटे दिशा सांगा तुम्हारा देता है इतना इकडे गए आता कुठे जात आहे बीळ? चपत नाही कसं मग? असं ते माती तुम्हाला दिसलंय? आम्हाला माहितीये किंवा 17 वर्ष काम करतो म्हणजे बीळ कशी असतात माहित नाही, साफ जाण्यासारखी। आता तुम्ही जरा लांब थांबा, इकडे इकडे वा तुम्ही। किस तरह से मिट्टी में बैठा था साहब, देख सकते हैं। टिपक से मिला उसको, फौड़ा भी लग सकता था क्योंकि उन्होंने अभी इधर यहाँ पर बोला था, लेकिन सांप यहाँ पर है और डर के वो अंदर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। जब खतरे की संभावना उसको लगती है तो किस तरह से, ये देखिए इधर से बाहर आ रहा है। तो ये पूरा मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, कोई होल वगैरह नहीं है। हो सकता है कि वहाँ से यहाँ तक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अंदर जाने की जगह नहीं है। जितनी जगह है उतना सांप छुपने की कोशिश करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं उंगली कर रहा हूँ तो वहाँ पर सांप है, फिर भी वो डर रहा है, बाहर निकल रहे तो हम उसको दिखाई दे रहे। मतलब हमसे वो कितने डरते हैं आप सोच सकते हैं। इस तरह से बहुत बड़ा नाग है, लगातार तीसरा नाग। मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ सांप मिलेगा, और वो डर के किस तरह से बाहर आ रहा है। और दोबारा पकड़ा, तीनों में से भी पहला जो पकड़ा था लगभग 2.5 फीट था, दूसरा 3.5 फीट था, ये लगभग 5 फीट लंबाई का सांप है। और तीनों भी नाग है, ये हैट्रिक हुआ। गर्लगुंजी गांव है और इत्तेफाक की बातें है, ऐसा बहुत बार होता रहता है। और आसानी के साथ, मतलब अंदर होल नहीं था, ये तो पुराना घर है, फिर भी ये सांप यहाँ पर आसानी से मिल चुका है। मुझे इस बात की तसल्ली कि लोगों को तसल्ली दे पाया, क्योंकि खोदने की जगह मैं आने से पहले उन्होंने काफी खोदा है, काम किया है, प्रयास किया है, उसको नहीं मारा है, अच्छी बात है। और मैं इधर ही था और तीनों भी सांप मिले, लगने के लिए इत्तेफाक है। लेकिन आप लोगों को पूछ सकते हैं, मैं सर्प मित्र आनंद चिट्टी को गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, उनको इस बात का ताजुब होगा कि बहुत बार जब मैंने गाड़ी में सांप मिला है, वो सामने वाली औरत ने देखा था, पीछे थोड़ा
तू पढ़ मिस रख। तो लोग काफी कह रहे थे कि गाड़ी में घुसा है साहब, कैसे पता चला? कभी कभी सभी बातें रिकॉर्डिंग होती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो मालिक थे उनके सामने वाले घर की औरत ने सांप देखा था और गाड़ी में घुसा था और सीट के नीचे वो मिला। फिर भी 10 लाख भारतवासियों ने, अन्य देशियों ने उस वीडियो को देखा, सराहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अभी मैं भी बताने जाऊंगा कि गरलगुंजी गांव में 3 सांप पकड़े तो ताजुब लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो महिला है उनको भी पूछ सकते हैं कि सच में यहाँ पर थे या मैंने छोड़े हैं। तो लोग ऐसा सोचते हैं, निगेटिव सोचने लगते हैं, अरे यार एक ही गाँव में कैसे मिल सकते हैं। ऐसी बहुत बार घटनाएं होती रहती है मेरे जीवन में। होनगा गाँव है, उस गांव में ऐसा एक बार हुआ था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक सांप मिला था। यहां पर तीनों के तीनों सांप मिले हैं, खुदाई उन्होंने, जो मालिक है उनसे आप मिल सकते हैं, उनका वीडियो भी हम ये करेंगे। तो आसानी के साथ बहुत ही सीधा साधा लग रहा है ये सांप, नाग सांप, लेकिन तीनों भी नाग सांप आसानी से यहां पर मिले हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती है, हम सांप पकड़ रहे हैं मतलब कोई बहुत बड़ा एहसान ऐसा नहीं है कि लोग देखते वो बड़ी बात है, तब वो खुद को बचा चुके हैं। हम आके सांपों को बचाते हैं, लोगों को नहीं बचाते। लोगों ने देखा तब हो गया। अभी भी हम जब वीडियो चालू था और सांप वहाँ से निकला तो इतने लोगों के बीच में दूर जाने की कोशिश करता था, ये पूरी लाइफ ये गांव में गली में निकल चुका है सांप, तो उसने कुछ भी नहीं किया है, तो अभी भी कुछ नहीं करने वाला था। लगभग 5 साल की उम्र का सांप है और बहुत ताज्जुब वाली बात है, चमत्कार बिल्कुल नहीं है, इत्तेफाक होते रहते हैं और इस तरह से आराम से ये सांप यहाँ पर मिला है। मेरे वीडियो देखने वालों को, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें आपसे शेयर करते रहेंगे, धन्यवाद। अभी इस वक्त मैं गरलगुंजी गांव में हूँ, आप देख सकते हैं इधर की साइड। पिछले 2:07 से 3:31 तक मैं 4 सांप पकड़ चुका हूँ। ये जो है मच्छे बेलगाम गोवा हाईवे रोड पर आता है, वहाँ से मैं गरलगुंजी गांव में लगातार 3 सांप, मतलब 14,655, 14,656 और 14,657, ये 3 सांप पकड़ चुका हूँ। ये जो पहला सांप था उन्होंने खुद पकड़ के रखा हुआ था, संदीप भिंडीगिरी करके है मारुति गली में, और दूसरा सांप जिनको सही में मुझे पहला फ़ोन आया था वो है मारुति यरमाकर, जो पांडव नगर में रहते हैं गरलगुंजी, और तीसरा सांप जो अभी फ़िलहाल मैंने पकड़ा विठोबा गली गरलगुंजी में मारुति चुड़ापा कुंभार, ये इस तरह से सांप पकड़े हुए हैं। तो ये कितने बजे सांप आया था सर? कल शाम को आया था, ये साइड से सांप आके ना इधर जाके वो होल में गया। मैं आज सुबह कल देखा था, कल हम छोड़ दिया उसको, मैं आज दोपहर को 12:30 वो बाहर आया था, हम देखने गया उधर, बाद में वो अंदर गया, बाद में उसको पकड़ने के लिए हम लोग खुदाई चालू किया, हमको नहीं मिलता बोल के ये सर को हम कॉल किया, वो लोग इधर आए थे हमारे पिछले मारुति गली में, तब तुरंत आके बाद में इधर वो मिट्टी निकाल के उधर से पकड़ा, सांप मिला। थैंक यू। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे जो थंब बटन है उसे जरूर दबाएं। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब है उसे दबाइए, और साथ में बेल आइकॉन बटन भी दबाइए। धन्यवाद।